जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पचड़ी में आज सुबह सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे मौजूद एक पीपल का बड़ा पेड़ पामगढ़ जनपद पंचायत के पूर्व जनपद अध्यक्ष सम्मत सोनी के मकान में गिर गया। इस हादसे से मौके पर अफरा तफरी मच गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त उनका पूरा परिवार घर में मौजूद था। हालांकि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। इस हादसे से उनका मकान के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। पिछले एक साल से आवेदन देते मतलब मैं थक गए। आवेदन एसडीएम तहसीलदारी पेड़ लगा के बस रुक गए रहे आवेदन दे रहे और पटवारी भी प्रतिवेदन बना के तहसीलदारी लगे दे रहे थे और अभी तक मतलब कोई कार्रवाई नहीं करी। आज हमारे लोग लेकर बाल बाल बचे है और पूरा पेड़ है घर में गिर गए घर क्षतिग्रस्त हो गए। इस हादसे को लेकर पूर्व जनपद अध्यक्ष सम्मत सोनी का कहना है कि वह पीपल के पेड़ को हटाने के लिए पिछले एक साल से आवेदन कर रही थी लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया गया और आज यह हादसा हो गया। ग्राम पचरी में एक पीपल का विशाल का पेड़ था जो बारिश की वजह से उनके मकान पर गिर गया था। मकान पूर्व जनपद अध्यक्ष सम्मत सोनी जी का है। घटना के बाद से पीडब्ल्यूडी को सूचित किया गया तथा पुलिस की टीम वहां मौके पहुंचकर पेड़ को हटाया गया तथा यातायात को वापस सुचारू से चालू किया गया। इसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। वहीं इस हादसे के बाद सड़क पर घंटों तक आवागमन बाधित हो गया था। ग्रामीणों ने पामगढ़ पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम और पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा रास्ते से पेड़ को हटवा कर पुनः आवागमन शुरू करवाया गया है। जांजगीर चांपा से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट।